दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर अभी हो गया है, नागरिकता संशोधन अधिनियम। अब ये जो बिल आया है, वैसे शुरुआत में बता दूं कि जो पहले हमारे नागरिकता के संविधान का बिल था, उसमें जो लोगों को यहाँ शरण देने की बात थी, उस शरण के आधार पर यह बिल था। अभी एक इसमें नया फार्मूला दिखता है और वो फार्मूला ऐसा है कि मुसलमान जो है उसको घुसपैठिया माना जाए और बाकी धर्म के लोग जो हैं उनको शरणार्थी माना जाए। और ये नए बिल के अनुसार जो पुराने बिल का अमेंडमेंट है, उसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए गैर मुसलमानों को नागरिकता देने का प्रावधान है। ये भारत देश में पहली बार हो रहा है कि एक ऐसा कानून लाया जा रहा है जिसमें धर्म के आधार पर नागरिकता तय की जा रही है। अगर आप देखें तो भारतीय संविधान की मूल आत्मा जो है, भारतीय संविधान का जो मूल है, वो ये है कि यहाँ सभी धर्मों के लोग बराबर के नागरिक हैं और नागरिकता का आधार धर्म नहीं है। अब ये जब पहले लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हुआ, फिर राष्ट्रपति ने इसको अपनी मंजूरी दे दी, तो उसके बाद ये कानून के रूप में देश में लागू हो सकता है। अब जहाँ एक तरफ ये सरकार अपने आप को सफल मान रही है कि उसने इस प्रकार के बिल को लाकर अपनी राजनीति को पूरा किया है, उसी समय पे इस समय पूरे देश में इसके विरोध में जगह जगह अलग अलग प्रकार की गतिविधियाँ हो रही हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखें, आसाम, गुवाहाटी और नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे प्रदेशों में, बहुत सारी जगहों पर बहुत उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं इस बिल के ख़िलाफ़। उनका मानना है कि अगर दूसरों को नागरिकता देंगे तो यहाँ का जो स्थानीय कल्चर है, स्थानीय जो एथनिसिटी है, उस पर एक प्रभाव पड़ेगा। और वैसे भी आसाम में इस प्रकार के पहले भी जो उन पर एक्सरसाइज की गई है, जो जिसके आधार पे सिटीजन्स को विदेशी देशी माना जाए, जो पूरी एक्सरसाइज हुई, उससे भी आसाम के लोग बहुत परेशान हैं। उसी तरफ दूसरी जगह हम देखें तो जामिया मिलिया इस्लामिया के विद्यार्थियों ने इस बिल का विरोध करने के लिए पार्लियामेंट पर एक मार्च निकालने का फैसला किया था। और जब वो मार्च निकालने के लिए जमा हुए तो पुलिस ने उन्हें वहीं रोक दिया और उसके बाद पत्थरबाजी, आंसू गैस और दूसरी चीज़ें चल रही हैं। देश के बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इस बिल का विरोध किया है और इस बिल के विरोध में एक जो प्रक्रिया है वो हर्ष मंदर की है। हर्ष मंदर जो एक जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो कारवान मोहब्बत नाम के संगठन को चलाकर अलग धर्मों के लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, हर्ष मंदर इससे बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा इस कानून का विरोध करने के लिए सिविल डिसोबीडियंस नागरिक असहकार होना चाहिए। इसमें उन्होंने खुद के बारे में कहा कि इसके बारे में जब मुझसे पेपर्स मांगे जाएंगे, मैं कोई पेपर देने वाला नहीं हूँ। वैसे तो मैं सिख परिवार में जन्मा हूँ, पर मैं किसी धर्म के संस्थागत ढांचे को नहीं मानता और मैं अपने आप को, जब ये इस प्रकार की प्रक्रिया होगी, तो मैं अपने आप को मुस्लिम घोषित करके डिटेंशन कैंप में जाने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं, ख़ास तौर से बंगाल और पंजाब, इन्होंने स्पष्ट रूप में कह दिया है कि हम इस प्रकार के किसी एक्ट का समर्थन नहीं करते और हमारे राज्य में इस एक्ट को हम नहीं लाने देंगे। जैसे मैं बात कर रहा था, पूर्वोत्तर के प्रदेश जो हैं, पूर्वोत्तर के प्रदेश में अभी एक बड़ी एक्सरसाइज हुई थी NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, और उस सिटीजन ये एक्सरसाइज भी भाजपा सरकार ने लाई। उन्होंने कहा था कि सैकड़ों नहीं, करोड़ों घुसपैठिए बांग्लादेश से आए हैं और ये हमारे समाज के दीमक की तरह हैं। ये स्टेटमेंट श्री अमित शाह का था। इसके बाद ये एक्सरसाइज NRC आसाम में हुई, जिसमें पूरी प्रक्रिया में करीब 19.5 लाख लोग पाए गए जिनके पास रिकॉर्ड्स नहीं थे। और मज़े की बात यह है कि इनमें आधे लोग हिंदू हैं। अब जहाँ एक तरफ जो शाह परिवार के लोग हैं, उनकी जो राजनीतिक संगठन है, वो करोड़ों का, लाखों का दावा करती रही और ले देकर
करीब 5-6 लाख मुसलमान ऐसे होंगे जिनके पास रिकॉर्ड नहीं है। तो इसको कहा जा सकता है खोदा पहाड़, निकला चूहा। और जो लोग इसमें अब अवैध शामिल होंगे, अवैध घोषित किए जाएंगे, उसका हम क्या करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार की नागरिकता जो धर्म के आधार पर है, ये एक्सरसाइज अगर पूरे देश में होगी तो उसके सैकड़ों करोड़ का खर्चा इस पर होगा। और इस प्रक्रिया के बाद जो कोई मुसलमान, ख़ास तौर से मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है, बाकी सबको नागरिकता दे दी जाएगी, मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। अब इसके पीछे सरकार का तर्क ये है, भाजपा सरकार का, भाजपा के शासकों का तर्क ये है कि क्योंकि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू, बुद्ध, जैन ईसाई और पारसियों का उत्पीड़न हो रहा है, इसलिए हम इस प्रकार का कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ बात यह है कि दूसरे देश से अगर कोई लोग धार्मिक रूप से प्रताड़ित होते हैं तो उन्हें शरण देना ये एक पड़ोसी देशों की एक नैतिक कर्तव्य होता है। पर उसमें ये नैतिकता में जो भेदभाव दिखाई दिया जा रहा है, जैसे हमारी सीमा से लगकर म्यांमार है, बर्मा जिसे हम कहते हैं, बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों पर बहुत प्रताड़ना हो रही है, उनका बहुत प्रोसिक्यूशन हो रहा है, उनको इस लिस्ट में लेने की बात नहीं की जा रही। पाकिस्तान में मुसलमानों का एक बड़ा तबका है शिया का, उनको भी इसमें लेने की कोई बात नहीं की गई। और इससे एक बहुत सटीक कमेंट जो आया वो तस्लीमा नसरीन का था। आप सब जानते होंगे तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश की एक बहुत मशहूर लेखिका हैं जिनका भारत से बहुत गहरा संबंध रहा है। तो तस्लीमा नसरीन ने कहा अगर इस प्रकार का बिल आया और बांग्लादेश में तस्लीमा नसरीन की प्रताड़ना हो रही और सुमित की प्रताड़ना हो रही, तो उसमें सुमित को भारत की नागरिकता मिल जाएगी जबकि तस्लीमा नसरीन इससे बाहर रहेंगी। ये उनकी जो बात है वो हमारी इस पूरी चीज़ को स्पष्ट करती है कि ये सरकार किस प्रकार से यहाँ मुसलमानों को टारगेट करने की अपना उनका जो इरादा है उसको पहले से ज़्यादा मजबूत कर रही है। अब एक तरफ तो ये बात है। अब राज्यसभा में जब ये विवाद चल रहा था तो उस समय अमित शाह ने कहा कि ये कानून लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि कांग्रेस ने देश का बंटवारा किया था। अब खैर, एक तो अपने आप में इस प्रकार का कानून ये हमारे संविधान के खिलाफ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस कानून को चैलेंज किया जाएगा, इस कानून को एक प्रकार से निरस्त किया जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। पर निश्चित रूप से इसके पीछे जो तर्क दिए जा रहे हैं और विभाजन के लिए जो कांग्रेस को दोषी ठहराया जा रहा है वो अपने आप में पूरी तौर से एक गलत समझ है जो आरएसएस परिवार की प्रेरणा से चलती है। जो हिंदू राष्ट्रवाद के मानने वाले हैं उनमें से एक नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या इसीलिए की कि भाई वो मानता था कि गांधी के कारण भारत का विभाजन हुआ। और अभी जो उसी विचारधारा से जुड़े हुए भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं वो भी यही राग आलाप कर रहे हैं कि कांग्रेस के कारण भारत का विभाजन हुआ, तो इसलिए हमारे पड़ोसी देशों में जो गैर मुस्लिम प्रताड़ित हो रहे हैं उनको हम नागरिकता देकर अपना नैतिक कर्तव्य पूरा करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है, भारत का जो विभाजन हुआ वो कांग्रेस के कारण नहीं हुआ, कांग्रेस के कारण नहीं हुआ। और मैं अपने दूसरे वीडियोज़ में इसको क्लियर कर चुका हूँ कि भारत के विभाजन के पीछे तीन ताकतें मुख्य थी। पहले ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति। दूसरा सावरकर का दो राष्ट्र का सिद्धांत, जहां उन्होंने कहा इस देश में दो राष्ट्र रहते हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। और तीसरा मुस्लिम राष्ट्रवाद, जिसको जिन्ना ने आगे चलकर पाकिस्तान की मांग के रूप में सामने रखा। और कांग्रेस ने भी इस भारत के जो लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 में पार्टीशन का प्रस्ताव लाए, कांग्रेस ने इसका पुरजोर विरोध किया। पर उसी समय मुस्लिम लीग का जो काम चल रहा था, समाज में हिंदू राष्ट्रवादियों ने जो नफरत फैलाई थी उसके कारण दंगों की आग बहुत बढ़ गई। और मुस्लिम लीग ने जब डायरेक्ट एक्शन का कॉल दिया उसमें कलकत्ता में सैकड़ों, लाखों, हज़ारों हिंदू मारे गए और इसी प्रकार से दूसरी जगह पर दंगे भड़कना चालू हो गए। तो उस समय कांग्रेस ने जब मजबूरी में ये बात स्वीकार की तो कांग्रेस का रेजोल्यूशन कहता है कि हम विभाजन के विरोध में हैं। पर आज
जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, जिस प्रकार की नफ़रत का जहर समाज में घोला जा रहा है, उसके कारण मजबूरी से हम भारत के विभाजन की बात को स्वीकार करते हैं। तो भारत का विभाजन कांग्रेस के कारण नहीं हुआ। भारत के विभाजन के पीछे अंग्रेज़ों की एक और भी चाल थी, क्योंकि उस समय दुनिया में दो सुपर पावर्स थे। एक तरफ अमेरिका का इमर्जेंस हो रहा था, जो ब्रिटेन को साथ में लेके चल रहा था। दूसरी तरफ रशिया, जो समाजवाद का उदाहरण था, जिससे प्रेरणा लेकर कई आज़ादी के आंदोलन अलग अलग देशों में चल रहे थे। उसी से प्रेरणा लेकर कई लोग समाजवाद की तरफ प्रभावित हो रहे थे। तो ब्रिटेन ने देखा कि अगर भारत आज़ाद हो गया तो भारत की लीडरशिप में जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, ये सब लोग जो समाजवादी हैं वो रहेंगे, और वो हमारा साथ दुनिया की राजनीति में नहीं देंगे। इसलिए इस क्षेत्र पर हमारा वर्चस्व बना रहे, इसलिए उन्होंने पार्टीशन की बात सोची, क्योंकि उन्हें पता था एक तरफ जो मुस्लिम आधार पर जो पाकिस्तान बनेगा उसमें उनका वर्चस्व रहना बहुत आसान हुआ। और यही बात हुई बाद में चलकर अमेरिका, ब्रिटेन, इन्होंने पाकिस्तान को अपना मोहरा बना के दक्षिण एशिया में अपनी राजनीति खेली। खैर, तो ये आज जो सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून जो अभी पारित हो रहा है, ये हमारे देश के संविधान के विरोध में है। ये हमारे देश के जो मूल्य, जो आज़ादी के आंदोलन के मूल्य थे, जो नागरिकता को धर्म से अलग करके मानते थे, उस पर एक गहरी चोट है। और इसी के खिलाफ पूरे देश में जो आंदोलन शुरू हो रहे हैं, उसकी एक झलक हमने जामिया मिलिया में देखी, एक झलक हमने नॉर्थ ईस्ट में देखी, और इसका जो विरोध यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं से हो रहा है, निश्चित रूप से मैं उम्मीद करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट इस बात पे दखलअंदाजी दे और इस प्रकार के कानून को, जो भारतीय संविधान से पूरा भारतीय संविधान के पूरे विरोध में जाता है, उसको निरस्त करे और वो मूल्य सामने लाए जिसमें हम नागरिकता को धर्म से न जुड़े। एक अलग धरातल पर ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज इस प्रकार का कानून लाने की क्या ज़रूरत है। आज देश में बहुत समस्याएं हैं। देश की समस्याओं में नौजवानों की बेरोज़गारी, किसानों की आर्थिक व्यवस्था बहुत ख़राब होना, नोटबंदी के कारण पूरी अर्थव्यवस्था का नीचे गिरना, और जिस प्रकार का एक निराशा का वातावरण है, उस निराशा के वातावरण की समस्याओं को दूर करने की कोशिश सरकार को करनी चाहिए। उसके उलट वो ऐसे सवाल ला रही है जिसका आम लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कोई संबंध नहीं है। हमने देखा, इन्होंने, पिछली सरकार ने ट्रिपल तलाक को बैन करने का कानून लाया, इस सरकार ने फिर आकर आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया, एब्रोगेट कर दिया, उसको उठा दिया, जिससे कश्मीर में एक अलग प्रकार की समस्या चल रही है, और अभी ये सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट के लाने के कारण एक दूसरी समस्या चालू हो रही है। जो इन्होंने कश्मीर में किया, उसके कारण पिछले कई महीनों से कश्मीर में संचार बंदी है, इंटरनेट फ्री नहीं है, नागरिकों का आना जाना फ्री नहीं है, और अभी ये जो इन्होंने सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट लाया, इसके कारण पूरे नॉर्थ ईस्ट में इसी प्रकार का माहौल, जैसा माहौल कश्मीर में खड़ा किया गया, इसी प्रकार का माहौल नॉर्थ ईस्ट में भी खड़ा हो रहा है। और इसके उत्तर में जब ये सरकार ने ये किया, तो बांग्लादेश के विदेश मंत्री जो भारत आने वाले थे, भारत बांग्लादेश संबंधों के बारे में, भारत बांग्लादेश के सहयोग के बारे में, उन्होंने अपनी यात्रा कैंसिल कर दी। उन्होंने कहा भारत एक ऐसा कानून ला रहा है जिसके आधार पे वो कह रहा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का प्रताड़ना है, ये बात हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है, ऐसा उनका कहना था। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे, जो गुवाहाटी उस क्षेत्र में आने वाले थे व्यापार की बातचीत के लिए, उन्होंने भी अपनी यात्रा रद्द कर दी। और मेरे ख्याल से दुनिया के अलग अलग देशों के लोग जो भारत में आकर मिलजुल कर व्यापार करना चाहते हैं या दूसरे काम से आना चाहते हैं, इस प्रकार के कानून का सब पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये कानून इतना ख़राब है कि इसके विरोध में जगह जगह चीज़ें हो रही हैं और चीज़ें हो सकती हैं, और इससे हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं वो काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। तो उम्मीद तो ये होना चाहिए कि ये सरकार इस प्रकार के गलत मुद्दों को उठाना छोड़कर समाज के रोजी रोटी, कपड़ा, नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा के सवालों को ले, ताकि हमारा देश प्रगति करके एक अच्छे रास्ते पर आगे चल सके। आपका बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए,
नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाइए। थैंक यू वेरी मच।